दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर नासिर खान आज अपने यूट्यूब चैनल के लिए बताने जा रहा हूँ कि किसी भी तरह का स्टोन, चाहे वो किडनी का है चाहे दूसरा है, अगर उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसमें ये ना सोचें कि ये टूट टूट कर ही निकल जाएगा। कभी कभी ये जो है प्रोस्टेट के पास जाकर अटक जाता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसमें अटक जाता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब बिल्कुल रुक भी सकता है और जिसकी वजह से किडनी पर पूरा पूरा असर पड़ता है। किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है क्योंकि पेशाब की तादाद ज़्यादा होती है, बनता ज़्यादा है पेशाब और निकलने का रास्ता कम होता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि अगर किसी को बड़ा स्टोन है और वो ब्लैडर में आ गया है तो उसे ये ना सोचें कि ये यूरेथ्रा के ज़रिए ही या पेशाब के रास्ते से ही निकल सकता है। कोशिश करें इसे निकलवाने के लिए, क्योंकि अगर इसने आपके पेशाब के रास्ते को बंद कर दिया तो आने वाले टाइम में आपको किडनी पर पूरा पूरा असर होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से किडनी डैमेज तक की हो सकती है। मेरे भी एक स्टोन था, मैंने अपनी दवाइयाँ खाई, किडनी से स्टोन निकल के बाहर आ गया यूरेटर के ज़रिए, यूरेटर से ब्लैडर में आ गया, लेकिन ब्लैडर से 13 mm का स्टोन बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी एडमिट होना पड़ा है हॉस्पिटल में। और कोशिश करवा रहा हूँ मैं कि इसे टेक्निक होती है निकालने की, उस टेक्निक के ज़रिए। तो मैं ये वीडियो जो है अपने हॉस्पिटल और बेड पर ही ऐसे बना रहा हूँ, जिससे कि मैं ओरिजिनलिटी ला सकूँ इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।